आज वापस से आपके लिए एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, स्टैंडर्ड 9, संस्कृत सब्जेक्ट, और नाम है अजेयः भविष्यति, ते अजेय तस्य। जीवन में हर एक इंसान को कहीं ना कहीं सफलता चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे धन कमाने में हो, चाहे बल कमाने में हो, और चाहे अपने वैभव ऐशो आराम कमाने का हो। हर एक इंसान अजेय होना चाहता है, सब कुछ जीत लेना चाहता है, पर जो जीतना एक कला है, और वो जीतना हमें सिखाता है नीति, नियम, कायदे और कानून। नीति, नियम और कायदे कानून की बात आए तो हमेशा कृष्ण भगवान याद आते हैं, जिसने महाभारत के अंदर अर्जुन को नीति नियम सिखाए और महाभारत के दावपेच सिखाए। परंतु आज के ज़माने में अगर कोई नीति के हिसाब से बात करे तो सीधा सब्जेक्ट आता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, राजनीतिक और पॉलिटिक्स, और उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ थे दैट इज आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य राजनीति के उपदेश के अंदर एक माहिर व्यक्ति थे, तीन नाम से प्रसिद्ध हुए। उसने ज्यादातर अपनी पुस्तिका का नाम लिखा कौटिल्य, तो एक नाम उसका कौटिल्य था। बहुत ही शार्प बुद्धि थी, इसके कारण से लोग उसको चाणाक्ष बुद्धि के कारण से चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। परंतु बचपन से उसका नाम था विष्णुगुप्त। इस तरह से विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ये तीन नाम से हमारे चाणक्य जी प्रसिद्ध हुए, और उसने नीतिसार नाम का ग्रंथ भी लिखा, जिसके अंदर उसने हमें बताया कि जीवन के अंदर नीति नियम के साथ चलने से कितना फायदा होता है, कितनी जल्दी हमें प्रसिद्धि प्राप्त होती है और अपने जीवन के अंदर सफलता मिलती है। चाणक्य विचरित मुख्यत्वे राजनीति नो उपदेश आपनार नीति सार नामना ग्रंथ के अंदर से आज की हमारी पोयम, पोयम नंबर 16 अजेयः भविष्यति के अंदर कुछ श्लोक यहाँ पर बताए गए हैं। तो श्लोक के अंदर मनुष्य को, मानवी को, मानस को कुछ नियम सीखने चाहिए, परंतु किससे? हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, परंतु इसके अलावा भी पशु पक्षी जीव जंतु, और उसके अंदर उन लोगों के जो एक एक अगर गुण धर्म अगर हम अपने जीवन के अंदर उतारते हैं तो हम मनुष्य इस जीवन को जीत सकते हैं, अजेय बन सकते हैं। वो इस पोयम के अंदर अलग अलग श्लोक के अंदर बताया गया है। श्लोक नंबर 1 है, सिंहादेकम बकादेकम षड शुनः त्रीणी गंधर्भात वायस्यत्वजः शिक्षेश्च चत्वारि कुक्कुराडतपिः। ये श्लोक नंबर 1 है जिसके अंदर बताना चाहते हैं कि सिंह प्लस देकम, सिंह देकम, सिंहनी पासे थी एक, बका यानी कि बगलो एनी पासे थी एक, शुनह मतलब कुत्रो, शट तेनी पासे थी छ, गंधर्व अले गधेड़ो तेनी पासे थी त्रण, वायस मतलब कागड़ो तेनी पासे थी पंच लगे पांच, और कुकरो मतलब होता है कुकड़ो, हैन जिसको हम कहते हैं, मुर्गा कहते हैं, तेनी पासे थी चार गुणों शिखवा जो ये। इस तरह से सिंह पासे थी एक, बगला पासे थी एक, एक और एक दो हो गए, कुत्रा पासे थी छ आठ हो गए, गधेड़ा पासे थी त्रण टोटल 11 हो गए, कागड़ा पासे थी पांच हो गए 16, और चार कुकड़ा यानी कि मुर्गे के पास से हो गए 20। अगर ये 20 मनुष्य के अंदर गुण है तो ऐसा मनुष्य हर जगह पर अपना विजयी घोषित कर सकता है। कहते हैं कि अच्छे खानदान में पैदा होने से महान नहीं बनते हैं, पर आपका कर्म, आपकी शिक्षा, आपकी विद्या आपको महान बना देती है। कुछ उदाहरण आपके सामने ही है कि एक मोची था, और ये मोची की एक प्यारी सी बेटी ने आईआईटी के अंदर इतना बड़ा नाम किया कि राजेंद्र नाम के मोची की बेटी मीरा मोची ने आईआईटी के अंदर भी बहुत ही बढ़िया पैकेज यानी कि 13 लाख के साथ amazon.com के अंदर काम किया और अपने जीवन के अंदर शिक्षा के द्वारा आ गया है। तो ऐसे कुछ गुण अगर हमारे अंदर है तो हम भी मीरा मोची की तरह अपना जीवन के अंदर माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। श्लोक नंबर 2 है, प्रभुत्त लल्प कार्य वायो नरह कर्तुमिच्छति सर्वारम्भेन तत्कुर्यातः सिंहादेकम प्रतिकीर्यतम।
श्लोक नंबर 2 में कहते हैं कि प्रबुद्ध कार्यता जे मानस घणू के ओछू कार्य करवा इच्छे छे, अब ज्यादा कार्य करना चाहो या कम कार्य करना चाहो, तेने सर्व प्रकार नु कार्य करवू जोइए। देखो शेर जंगल का राजा होता है पर फिर भी उसको अपना शिकार स्वयं करने जाना पड़ता है। इसी तरह से हमें अपना कर्म खुद करना है। हम कोई राजमहल में पैदा होने वाला राजकुमार तो है नहीं कि दो ताली बजाए और नौकर की फौज आगे आ जाएगी। तो हमें अपने सर्व कार्य खुद करने हैं। माँ खाना पका के दे सकती है, खाना हमें खुद है। इस तरह से शेर हमें बताना चाहता है कि जे मानस घणू के ओछू कार्य करवा इच्छे छे तेने सर्व प्रकार नु कार्य करवू जोइए। सिंह पासे थी आ एक ज गुण लेवानु आपणे आचार्य चाणक्य जी नीति सार नाम के ग्रंथ के अंदर बताना चाहते हैं। श्लोक नंबर 3, सर्वे इंद्रियाणाम संयम बकवतः पतित जनः काल देशात पतनानि ही सर्व कार्याणि साधयतः। बधिज इंद्रियो, इंद्रिय मतलब ऑर्गेन्स, ऐसा कहा जाता है जो बगुला होता है, इसको इंग्लिश में क्रैन कहते हैं, गुजराती में कहते हैं बगलो, तो वो एक पांव पे खड़ा रहता है, इसलिए ताकि दो पांव रहेगा तो नीचे जो पानी के अंदर तालाब के अंदर मछलियां है उसको पता चल जाएगा भाई यहाँ पर कोई एक पक्षी यानी कि बगुला खड़ा है, उन्हें खा जाएगा, इसलिए एक पांव पे खड़ा रहता है ताकि उन लोगों को लगे कोई एक घास का तिनका है। फिर अपनी चोंच ऊपर रखता है और दूसरों को कहता है कि भाई मैं तो भगवान का भजन कीर्तन करता हूँ, पर मुँह ऊपर की साइड में होगा, आँख का ध्यान नीचे की तरफ होता है। इस तरह से बगुला जो है अपनी चांच ऊपर रखता है, ध्यान नीचे रखता है, एक पांव पे खड़ा रहता है, इस तरह से अपनी सारी इंद्रियों को संयमित करके बगला नीचे समझदार व्यक्ति है। काल अने देशना संदर्भ में प्राप्त थयेला बधाज कार्यों ने अपने सिद्ध करवा जोइए। इस तरह से बगला पासे थी अपने आ एक गुण स्वीकार करवो जोइए। नेक्स्ट जो हमें बताना चाहते हैं श्लोक नंबर 4, क्या बताना चाहते हैं, प्राप्तशी ही स्वकल्प संतुष्ट सुनिंद्र शीघ्र चेतन प्रभु भक्तश्च शुरश्च ज्ञातव्या श्व गुणा ही षट। इसके अंदर जे कूतरो छे श्वान जेने आपणे डॉग कहीए छीए तेनी पासेथी आपणे आ छ गुण प्राप्त करवा जोईए। मळेलू खाना जितना भी मिलेगा, ज्यादा तो भी चलेगा, कम तो भी चलेगा, प्राप्तशी मळेलू खाना, स्व संतुष्ट थोड़ू मळ्यू होय तो पण सेटिस्फाइड संतुष्ट हो जाता है, ऐसा जीवन होना चाहिए। सुनिंद्र सारी रीते ऊंघना, गम्मे ते जग्याए पगथिया पर यानी कि स्टेप पे भी सो जाता है, और अगर उसको कोई अच्छे से कमरे में एसी में सुलाओगे तो भी सो जाता है, नींद आनी चाहिए। गुजराती माँ कहवत है कि भूख न जोवे रोट लो, सुको रोट लो, अने ऊंघ ना जोवे ओट लो। तो अपनी ऊंघ हमेशा केवी होवी जोईए, बहु फटाफट आवी जाए तेवी रीते, सारी रीते ऊंघना, शीघ्र चेतन तरत जागी जनार, प्रभु भक्तश्च पोताना स्वामी जे छे तेने हमेशा वफादार होए। इसलिए कहते हैं ना कि कुत्तों के पास हमें वफादारी सीखनी चाहिए, और प्यार सीखना है तो लव बर्ड के पास सीखना चाहिए। तो इस तरह से कुत्ते के पास हमें स्वामी भक्त और शुरश्चह हमेशा बहादुर है, कोई भी परिस्थिति में हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से 6 गुण जो है ये अपना कुत्रा पासे थी प्राप्त करवा जोइए। नेक्स्ट बताना चाहते हैं गंधर्व राजा के बारे में, अविश्रामम बहेदम भार शीतोष्णम च विद्दन्ति ही स संतोषपस्थाः नित्यम त्रिणी शिक्षणेम गंधर्भातः। गधेड़ो हमेशा थाक्या विनानो अविश्रामम, लेकिन थाक्या विना बोझो उपाड़े छे। शीत प्लस उष्ण, शीत ओ से डिज्वाइन करेंगे तो एक साइड उ आएगा, शीत प्लस उष्णम, ठंडी होए के गर्मी होए तेनी ये परवाह करतो नथी, हमेशा जे कई पण मळे तेमा संतोष प्राप्त करे छे। आ 3 गुण एटले के हमेशा पोतानु कार्य थाक्या वना करे छे, ठंडी के गर्मी मौसम के सामने वो कभी अपना कार्य अटका नहीं देता है, और जितना भी कार्य करता है, जो भी कार्य करता है उसमें सेटिस्फाइड लेकिन संतोष प्राप्त करे छे। आम गधेड़ानी पासे थी आ त्रिणी यानी कि 3 प्रकारनी शिक्षा, 3 प्रकारना लक्षणों आपणे स्वीकार करवा जोईए। नाउ नेक्स्ट आता है, दैट इज
કાગડો, કાગડાને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે દેટ ઇઝ વાયસ, ત્યાં પર લિખા હે વાયસાત. ગુડ ગ્રાહ્યસ્થ ચાતુર્યમ, કાલે ચાલય સંગ્રહમ, અપ્રમાદ મનાલસ્યમ, પંચ શીતે વાયસાત. ઉસકા જો જીવન હે ગૃહસ્થ જીવન વો બહોત હી સિક્રેટલી હોતા હે. બહોત સારે મેને પેરેન્ટ્સ કો દેખા હે, બહોત સારે પતિ પત્ની કો દેખા હોતા હે કે ઝઘડા કરતે હે તો ખિડકી દરવાજા ખોલ કે ઝઘડા કરતે હે, તાકી હમ ઝઘડા કરે વો પડોસી કો, ગામ વાલે કો, ગલી વાલે કો, મોહલ્લે કો પતા ચલે. આપકા ગૃહસ્થ જીવન આપકા હે, આપકી પરેશાની ભી આપકી હે, આપને એક દૂસરે કો ચુના હે, મુશ્કેલી આપ હી સોલ્વ કરોગે. તો યે જો ચીઝ હમે સિખાતા હે વો હે કૌવા, કાગડો. કાગડો હંમેશા ઉસકા જો ગુપ્ત જીવન હોતા હે, ગૃહસ્થ જીવન જો હોતા હે હંમેશા ગુપ્ત હોતા હે. આપને કભી ઉસકો કૌવે કો ઘોંસલા બનાતે હુએ, કાગડી ઓર કાગડે કે સાથ બેઠે હુએ બચ્ચે કો ખાના ખિલાવતા આપને દેખા નહીં હોગા. ચાતુર્યાતઃ, હંમેશા ચતુરાઈ અગર હોતી હે તો કૌવે કે પાસ હોતી હે, ક્યુંકિ આપ ઉસકો દેખ કર નીચે ઝુકોગે તો ઉસકો પતા ચલ જાતા હે પથ્થર લેને કે લિયે ઝુકા હુઆ હે, આપ ઉઠોગે ઉસસે પહેલે તો ઉડ જાતા હે. તો ચતુરાઈ કૌવે મેં હોતી હે. કાલે ચાય સંગ્રહમ, યોગ્ય સમયે અપના ઘોંસલા યાની કે માળો પણ બનાવી નાખે ફટાફટ સે. હંમેશા ઘોંસલા બનાને કે અંદર કૌવા એક્સપર્ટ હોતા હે, સીઝનલ અપના ઘોંસલા બના હી લેતા હે. બાકી બહોત સારે બર્ડ્સ હોતે હૈ જો અપને ઘોંસલે બાર બાર યુઝ કરતે હૈ જબકી કૌવા નહીં કરતા હે. લિખા હે અપ્રમાદ, યાની કે આલસ વો કભી નહીં કરતા હે, ગેરજિમ્મેદારી બિલકુલ નહીં હોતી હે, સમય કે હિસાબ સે સારા કાર્ય કરને મેં કૌવા એક્સપર્ટ હોતા હે. યે પાંચ જો હે વો શિક્ષા આપણે કાગડા પાસેથી લેવી જોઈએ કે ગુપ્ત જીવન, ચતુરાઈ, યોગ્ય સમયે માળો એટલે કે આપણો કાર્ય કરવું, પ્રમાદ એટલે કે બેદરગારી કા કમી, ઓર આલસ કભી નહીં કરતા હે. આમ કાગડા પાસેથી આ ચાર લક્ષણો આપણે શીખી લેવા જોઈએ. નેક્સ્ટ હે શ્લોક નંબર 7. યુદ્ધમ ચ પ્રાતઃ રૂસ્થાનમ ભોજનમ સહ બંધુભિ સ્ત્રી મયા પદગતામ રક્ષેત ચતુઃ શિક્ષેત કુક્કુટાત. કહેતે હૈ કે લડાઈ કે અંદર બહોત સારે શહેરો કે અંદર કુકડાઓની એટલે કે મુર્ગી કી લડાઈ હોતી હૈ, ઓર બહોત ભયંકર લડાઈ કરતે હૈ. જબ લડાઈ કરતે તો એક દૂસરે કો ચોંચ માર માર કર જબ તક ઉસકો પ્રાણ ત્યાગ ના દે, વો મૃત્યુ ન હો જાય તબ તક વો લડાઈ કરતે હૈ. તો યુદ્ધ કે અંદર કુકડે કી ચાલ બહોત જોરદાર હોતી હૈ. લડાઈ અગર સીખની હૈ તો કુકડા યાની કે જો મુર્ગા હોતા હૈ ઉસકે પાસ સીખના ચાહીએ. ઉઠને કે અંદર સબસે બહેતરીન અલારામ આજ ભી હમારે લિયે કુકડા ભી હૈ. આજ હમારે પાસ અલારામ મોબાઈલ આ ગયા હૈ, બાકી એક સમય એસા હી થા કે લોગ કુકડે કી જો બાન હૈ ઉસકો સુન કે હી હમેશા ઉઠતે થે. વહેલી સવારે પ્રાતઃ ઉત્થાનમ, મતલબ હમેશા સવારે ઉઠી જાય છે. પોતાના ભાઈઓની સાથે જ ભોજન કરવું, કિતના ભી હો તો હમેશા સાથ મેં મિલકે હી ખાના ખાતે હૈ. તો એક અચ્છા હૈ ગુજરાતી મેં કહાવત હૈ કે જિસકા અન્ન એક ઉસકા મન ભી એક હોતા હૈ. ઓર ઇસકે કારણ સે કુકડે કે અંદર મુશ્કેલીઓ કે હોય યા પરેશાની કે અંદર હોય પ્યાર હંમેશા સાથમે યાની કે ભોજન સાથમે પ્રાપ્ત કરતે હૈ. સબંધુ ભી સ્ત્રી પદાયમ, મુશ્કેલીના સમયમાં મુકાયેલી સ્ત્રીને બચાવવા માટે હંમેશા કુકડા તૈયાર હોતે હૈ. વો તો જો હમારે મનુષ્ય જાતિ ઉસમેં ભી દિખાઈ દેતી હૈ કે અગર કોઈ એક્સિડન્ટ હોતા હૈ તો સ્ત્રી હોતી તો ઉસકો મદદ કરને કે લિયે કાફી સારે ભાઈ આ જાતે હૈ. તો કોઈ ભાઈ કા એક્સિડન્ટ હોતા હૈ તો ભાઈ ભાઈ સપોર્ટ કરને કે લિયે બહોત કમ દિખાઈ દેતે હૈ. યે ગુણ તો હમને મનુષ્યને કુકડી કે પાસે હી પ્રાપ્ત કિયા હૈ કે મુશ્કેલીમાં મુકાયેલી સ્ત્રીને હંમેશા બચાવવા માટે કુકડા જ આગળ આવે છે. આમ કુકડા પાસેથી આ ચાર લક્ષણો આપણે શીખવા જોઈએ કે લડાઈ કરવામાં એક્સપર્ટ, વહેલી સવારે ઉઠી જવું, પોતાના ભાઈઓ સાથે જ ભોજન પ્રાપ્ત કરવું, મુશ્કેલીમાં મુકાયેલી સ્ત્રીઓને બચાવી. આમ કુકડા પાસેથી ચાર, ઇસ તરહ સે ટોટલ 20 હો જાતે હૈ. નાઉ શ્લોક નંબર લાસ્ટ 8 હૈ. યે યતા એતાન વિશિષ્ટિ ગુણાતઃ આચર્યતિ માનવઃ કાયા વસ્તુસુઃ સર્વાસુ અજેયઃ સ ભવિષ્યતિ. જે માણસ આ 20 ગુણોને, જે માણસ આ 20 ગુણોને પોતાના કામકાજની અવસ્થા કે અંદર આચરણ મેં રખતે હૈ, ઇન્વોલ્વ કરતે હૈ, તો વો ઇન્સાન અજેય હોતા હૈ. વો ઇન્સાન કો ઇસ દુનિયા મેં કોઈ હરા સકતા નહીં હૈ. આગે યહાં પર વ્યાકરણ યાની કે ગ્રામર મેં બતાયા હૈ કુછ મીનિંગ્સ હૈ. ગંધર્ભ, યે પુલિંગ વાલે સારે વર્ડ બતાયે હૈ, ગંધર્ભ ગધેડો, વાયસ કાગડો, કુકુટ કુકડો,
बंधु स्वजनः। सर्वनाम है एतान आने, ज्यादातर बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है। सर्वाशु दैट इज बधाने, बहुवचन परंतु स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होता है। सुनिंद्र सारी रीते उंघनार, निंद्रा के ऊपर से लिया गया है। शीघ्र चेतन जल्दी थी जागी जनार। प्रभुतम मतलब घणु, अने बकवत ले बगलानी जेम। ये हमारे सारे टिप्पणी है। कुछ यहाँ पर आपको समास भी दे रखे हैं। यहाँ पर लिखा है काल देशो उत्पतानी ही, काल ह च देश च इति, यानी कि काल देशी, ये आपका इतरेतर द्वंद्व समास है। दो वर्ड को अलग करना होता है, लाइक माता और पिता, भाई और बहन, पति और पत्नी, स्वर्ग और नर्क। अगर ऐसा जो और आता है उसको संस्कृत में च बोलते हैं, तो काल च देश च दैट इज द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास है। दूसरा भी उसका मीनिंग बन सकता है काल देशो अभ्यासम उपवंती ही, काल देशों पर उत्पन्ती ही, यानी कि तृतीय तत्पुरुष समास के अंदर यह आता है। तो यहाँ पर आभ्याम का इस्तेमाल किया है द्विवचन के हिसाब से, तो वहाँ पर तृतीय तत्पुरुष है। स्वसंकल्प संतुष्ट, स्वसंकल्पेन एंड से एण या एन से डिज्वाइनिंग होता है, तो हमेशा तृतीय, हमने आगे वाले चैप्टर में भी आपको बताया था कि अगर एण अकारांत होता है और उसके लास्ट वर्ड के अंदर अगर एण और एन अगर आता है तो हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति के हिसाब से बनता है ये तृतीय तत्पुरुष समास। प्रभु भक्त, प्रभु हो भक्त यानी प्रभु भक्त षष्ठी तत्पुरुष समास के अंदर आता है। शीत और उष्ण, ये दोनों को डिज्वाइन कर सकते हैं, यदि शीत अटले ठंडी, उष्ण अटले गर्मी, ठंडी अने गर्मी, ठंडा और गर्म, इस तरह से और से डिज्वाइन किया। समाहार द्वंद समास, आलय संग्रह यानी कि आलस्य, स्य से जिसको डिज्वाइन करते हैं, स्य हमेशा विभक्ति आती है, षष्ठी तत्पुरुष में आता है, तो स्य हमेशा आपको छठी में आपको याद रखना है, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। कायेवस्थाशु कार्याणाम, आणाम दिया है, तो आणाम जो है हमारा षष्ठी तत्पुरुष में आता है। इस तरह से यहाँ पर ज़्यादातर द्वंद्व समास, तृतीय तत्पुरुष समास और षष्ठी तत्पुरुष समास का इस्तेमाल किया गया है। आगे है विशेष नोंद के अंदर, शब्दार्थ के अंदर, सिंह प्लस अदेकम, सिंह पासे थी एक, बका अदेकम बगला पासे थी एक, शुनह कुतरा पासे थी, कुक्कट दपाए यानी कुकड़ा पासे थी पण, ये सारे उसके मीनिंग्स दे रखे हैं। संधि में दिया है सीहा देकम, मतलब सीहा त आत आता है, फिफ्थ फॉर्म में आता है यानी कि पांचवी विभक्ति में आता है, सीहा त एकम रिजोनिंग किया गया है। यहाँ पर जो द है वो व्यंजन संधि के अंदर जाएगा और द का त कन्वर्ट होता है, तो इस तरह से द का त हलंत वाला बन जाएगा और ये जो ऊपर ए दिया है वो इधर की साइड में आएगा, तो इस तरह से हुआ सीहा त प्लस एकम। दूसरा है बका देकम, वापिस यहाँ पर द का त बनाएंगे, बका त प्लस एकम। कुक्कुटा दपी ही, यहाँ पर वापिस से द का हम त बनाएंगे, तो कुक्कुटा त प्लस अपी। शुरस्व, तो यहाँ पर जो र जो होता है और उसके साथ अगर शु आया हुआ है तो वो हमें वहाँ से डिज्वाइन करना है श के हिसाब से, तो जो श होता है वो विसर्ग देता है, यानी कि जो हलंत वाला स होता है ना उसको रिप्लेस करते हैं विसर्ग के अंदर। तो इस तरह शुरश्च, स्त्री माया पय दागतः, स्त्रियस्य आपदायम, इस तरह से डिज्वाइनिंग हुआ। नाउ आपके एमसीक्यू दिए गए हैं यहाँ पर, सिंहात कपि लक्षणापि शोभते है, सीमाथी कितना प्रकारना लक्षण आपने सीखवाना छे, तो एक लक्षणम। प्रभुत्व शब्दस्य विरुद्ध च का शब्द, तो प्रभुत्व का होता है अल्प, ज्यादा का कम। गंधर्व अविश्राम की वहती, तो भार को, यहाँ पर भाग लिखा है, भार आता है जो हैवी चीजें है उठाने का कार्य वहन करता है। कर्कर्षः शब्द क पर्यात, तो जो कौवा होता है उसको काक भी कहते हैं और काक का दूसरा मीनिंग बनता है दैट इज वायसः। नाउ इसके अंदर कुछ श्लोक दिए गए हैं, वो श्लोक को हमें कंप्लीट करना होता है, ये आपको LBA श्लोक लर्न बाय हार्ट श्लोक, यानी कि श्लोक पूर्ण करना या श्लोक पूर्ति के हिसाब से आपको सेकंड टर्म के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छी तरह से लर्न करना है कि प्रभुत्व लप कार्य वायो नर कर्तुमिच्छति ही सर्वा रंभे न
तत्कुर्यातः सिंहादेकं प्रतिकीर्तितम्। वो दूसरा दिया है प्राप्ताशी वाला है कि प्राप्ताशी स्व अल्प संतुष्टः सुनिंद्रः शीघ्रचेतनः प्रभुभक्तश्च सुरश्च ज्ञातव्या स्वगुणा ही षटः। इस तरह से शेर वाला श्लोक और कुत्रा वाला श्लोक ये आपको लर्न बाय हार्ट यानी कि LBH में इसको आपको लर्न करना है, आपको सेकंड टर्म में पूछेंगे। आगे बताया गया इसके अंदर आपको आएगा अर्थ विस्तार। जब भी अर्थ विस्तार करो उसको हमेशा चार पार्ट में आपको डिवाइड करना होता है। पहले जो होता है उसको आपको क्वेश्चन लिखना है। तो क्वेश्चन क्या यहाँ पर दिया है कि सर्व इंद्रियाणि संयमम भगवतः पतितो जनः काल देशापत्तनानि सर्व कार्याणि साधयतः। तो उसका आपको अनुवाद करके लिखना है, ऐसे स्पेसिफाई करना है। आप उसका अर्थ करके भी लिख सकते हो, भाषांतर करके भी लिख सकते हो। क्या है इसका भाषांतर के बधी इंद्रियों ने नियंत्रित करी अने बगलानी जेम रहता समझदार माणसे काल अने देशना संदर्भमां प्राप्त थाय आ बधा ज कार्यों ने सिद्ध करवा जोईए। नाउ एक लाइन छोड़कर आप उसका अर्थ विस्तार मतलब एक्सपांशन करोगे और वहाँ पर लिखोगे कि मानवीय हमेशा बधानी पासेथी कहीं ने कहीं शीखता ज रहेवू जोईए। पशु पक्षी आपने अनेक ज्ञान आपे छे। आ श्लोक में जणावामां आव्युं छे के मनुष्य बगलाना एक गुण ने पोताना जीवन में उतारवो जोईए। बगलो बधाज अंगों ने काबू में राखी एकाग्र मन द्वारा हमेशा माछलीओ ने पकड़वानुं कार्य करे छे अने पोतानुं पेट भरे छे। तेम मानवीए पण समझदार बनी अने बधीज पोतानी इंद्रियोने संपूर्ण रीते नियंत्रणमां राखी समय अने देशना संदर्भमां बधाज कार्य करवा जोईए। आम करवाथी मानवी सर्वश्रेष्ठ मानवी बनी जाय छे अने आथी ज आ काव्यमां अंतमां कह्युं छे के तेवो मानवी अजेय मानवी बने छे। आथी आपणे पण बगलानुं आ एक गुण आपणा जीवनमां स्वीकार करवो जोईए અને આ ગુણને યોગ્ય ઉપયોગથી આપણે દેશમાં આપણા જીવનમાં યોગ્ય સમયે કાર્ય પૂર્ણ કરી શકીએ છીએ। ઇસમે સે મિલને વાલા બોધ હંમેશા લાસ્ટ મે લખના હૈ કે માનવીએ જીવન યાત્રામાં સફળ થવા માટે એકાગ્રતાનો ગુણ શીખવો જોઈએ। ઇસ તરહ સે આપકો લખના હૈ અર્થ વિસ્તાર કે અંદર ચાર પાર્ટ, પ્રશ્ન અનુવાદ યાની કે અર્થ ટ્રાન્સલેટ ઉસકા એક્સપાન્શન કરના યાની કે અર્થ વિસ્તાર और लास्ट में आपको लिखना है बोध। दूसरा दिया है अविश्राम वहेद भार शीतोष्णम च न विदंती ही स संतोषाथ अर्थम नित्यम त्रिणि ही शिक्षते हे गंधर्वदाह। इसका अनुवाद है कि गधेड़ो थाक्या विना बीजानो बोझो उपाड़े छे, ठंडी के गर्मी नी ते क्यारे पण परवाह करतो नथी, हमेशा ते संतोषी रहे छे। आम गधेड़ा पासे थी आपणे आ त्रण गुणों शीखवा जोईए। एक लाइन छोड़ के अर्थ विस्तार मतलब एक्सपांशन करेंगे कि मानवी हमेशा बधानी पासे कंक ने कंक शीखत ज रहते हो, भले ते पशु पक्षी होए के बीजा कोई। अपने सारा गुणों ने जीवन में उतारवा थी आ श्लोक में अपने जणावे छे के मनुष्य पोताना कार्य आ संसार में भार राख्या वगर के थाक्या वगर हमेशा पोतानी जवाबदारी ने स्वीकार करवो जोईए। भले ते भणतर होय, घर चलावानो संसार होय के पछी आपणे नौकरी धंधानुं कार्य होय, ते आपणी जवाबदारी छे, तेने योग्य समय आपणे पूर्ण करवुं जोईए। जेम मौसम आवे ते प्रमाणे आपणे आपणुं कार्य पण ते समये पूरुं करी लेवुं जोईए। योग्य समये आपणे कार्य पूरुं करीए तो ए व्यक्ति सारो माणस गणाय छे। ते ज रीते आपणे आपणा कार्यने रात दिवस ठंडी गरमी जोया वगर हमेशा आपणा कार्यने ध्यानमां राखवुं। कार्यक्रमना अंतमां ज्यारे पण कार्य पूरुं थाय तो हमेशा संतोष मानवो जोईए। આમ કહેવાય છે કે સંતોષી નર સદા સુખી। આમ સંતોષ એ આપણા જીવનનો સૌથી મોટો ખજાનો છે, પરંતુ અત્યારે બનશે એવું કે જ્યારે ગધેડા પાસેથી આપણે આ ત્રણ ગુણોને શીખીએ તો આપણે જીવનમાં સુખ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ। બોધ છે માનવીએ પોતાની જવાબદારીનો ભાર ઉપાડવો જોઈએ અને એ સમયે રાત હોય કે દિવસ હોય, ઠંડી હોય કે ગરમી હોય, क्यारे पैनी परवाह करवी जोईए नहीं। और इसमें से तीसरा आ रहा है अर्थ विस्तार, वो ये है। आशा करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के इसको लर्न करोगे, ये भी बहुत ही समझने जैसा है। आगे है क्वेश्चन आंसर्स। मनुष्य बगला अने कागड़ा पासे थी शू शीखवू जोईए। जीवन में मनुष्य हमेशा बधानी पासे कंक ने कंक शीखतो रहे छे, ते रीते यहाँ पर भी उसका पूरा डिटेल में आपको आंसर दिया गया है। ध्यान से इसको पढ़िए,
और आगे जो ट्रांसलेशन दिया है वो सेम यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। गधेड़ा पास थे क्या क्या गुणों आपने स्वीकार करवा जाइए, उसका आंसर यहाँ पर बताया गया है। कोई पण स्थिति में अजय बनवा माटे मनुष्य शुं करवो जोईए, जो लास्ट हमारा श्लोक है उसको आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन देना है। आपको दिया है लास्ट के अंदर, वो है ग्रामर। तो आपको हमेशा इस तरह से बताया जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है सी हा त, तो पहला हमेशा उसका मूल रूप ढूंढना पड़ता है। मूल रूप क्या है, तो बना है सिंह में से बना है, तो मूल रूप इसका सिंह है। कौन सा कारांत हुआ, तो ये लास्ट में क्या दिया है, ह है, अलग है, तो अ अलग होने के कारण से उसको अकारांत कहते हैं। पर अगर सिंहा ऐसा वर्ड होता है तो आकारांत होता, सी ही तो इकारांत होता, सी हूँ तो उकारांत होता। तो यहाँ पर सिंह ह के साथ कुछ भी अकारांत होने के कारण से इसको अकारांत कहेंगे। ये पुल्लिंग वाला शब्द है और पंचमी विभक्ति के अंदर हमेशा आत लगाया जाता है एक वचन के हिसाब से। नर ह, मूल रूप उसका नर है, अकारांत है क्योंकि यहाँ पर र अकेला है, पुल्लिंग है, प्रथम विभक्ति के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एक वचन के लिए। कार्याणी, तो कार्य नाम के शब्द में से बना है, कार्य अकारांत है, नपुंसकलिंग में इस्तेमाल होता है, कार्यम में से लिया गया है, और संबोधना और फर्स्ट में सेकंड विभक्ति के अंदर और संबोधना में तीन में बहुवचन में इस्तेमाल होता है। बंधु भी ही, बंधु नाम के शब्द में से लिया गया है, उकारांत है, पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति के अंदर बहुवचन के हिसाब से इस्तेमाल होता है। भारम, भार नाम के मूल वर्ड से लिया गया है, अकारांत है, पुल्लिंग है, द्वितीय और एक वचन में से बताया गया है। इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है वो बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं, अर्थ विस्तार आ सकते हैं, LBA श्लोक आपको दिए गए हैं वो दो श्लोक आ सकते हैं, ट्रांसलेशन आ सकते हैं, मीनिंग है, समास है। तो आशा करता हूँ कि जो चाणक्य जी ने अपने जीवन के अंदर जिस तरह से हमें 20 जो गुण सिखाए हैं वो इस चैप्टर में से सीखने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी चीज़ में इसमें डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, आपको कुछ क्वेश्चंस करना है या मेरे लिए कुछ अगर इंक्वायरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका दोस्त, आपका मित्र महेंद्र जोशी।